हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजायर डिलाइट चोको आज में। हम बनाने वाले हैं बर्फी ट्रफल्स। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी बनने वाली रेसिपी है ये और मुंह में घुल जाने वाली है। यकीन मानिए, आप अगर इसको बनाएंगे ना तो जो भी इसे खाएगा उंगलियां चढ़ता रह जाएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे या आप एक पैन भी ले सकते हो। इसमें मैंने 1/4 कप मावा डाला है जिसे आपको थोड़ा सा रोस्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। यानी आपको फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, हाई फ्लेम करोगे तो जल जाएगा। ठीक है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए और इसका जो टेस्ट है वो डबल हो जाए। तो देखिए मैं कैसे इसे मैश कर रही हूँ अपनी स्पैचुला से। ऐसे ही आपको मैश करना है और इसे इसका एक स्मूथ पेस्ट हम बना लेंगे। देखिए अब ये कैसे मेल्ट होने लगा है और कितना गाढ़ा हो गया है ये। बस इस स्टेज तक आपको इसे कुक करना है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक साइड में, एक बाउल में या फिर एक प्लेट में आप निकाल सकते हो ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। यहाँ हम लोग फिर एक कढ़ाई या फिर एक पैन लेंगे। अभी मैंने इसे गैस पर नहीं रखा। 1/4 कप इसमें मैंने शुगर डाली है। 1/4 कप ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। पिंच ऑफ बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा जिसे हम बोलते हैं वो हम इसमें डालेंगे ताकि हमारा कंडेंस मिल्क बिल्कुल ही क्रीमी और स्मूदी बने। और 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैंने इसमें पानी डाला है ताकि हम इसका एक पेस्ट बना सकें। आप यहाँ पर विस्कर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हो, आपकी चॉइस है वो। विस्कर से थोड़ा सा जल्दी हो जाता है इसलिए मैंने विस्कर यहाँ पर यूज़ किया है। अभी मैंने इसे गैस पर नहीं रखा, मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा रही हूँ। अभी ये अच्छा सा मिक्स हो गया है तो हम इसे गैस पर रखेंगे। बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर आपको पकाना है जैसे हमने मावा को किया था, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को हाई फ्लेम पर कुक करते हैं तो बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम ही रखनी है। काफ़ी हद तक ये मेल्ट हो चुका है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन चुका है ये। बस थोड़े बहुत लम्स हैं वो भी धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर आपको इसे कंटिन्यू स्टर करना है। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो ये जल सकता है, तो इसे कंटिन्यू स्टर करें आप। फ्लेम मेरी लो टू मीडियम ही है, मैं हाई नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी। दो से तीन मिनट के बाद देखिए कैसे ये ठीक हो गया है और बहुत ही स्मूथ बन चुका है। अब बस हम इसे थोड़ी देर और कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। बस इसी स्टेज तक हमें इसे कुक करना है और अब हम इसमें मावा डाल देंगे जो हमने पहले कुक किया था अच्छे से, वो हम इसमें मिलाएंगे और फिर से इसे स्मूथ पेस्ट मावा बना लेंगे। बहुत ही रिच फ्लेवर देता है, मतलब इतना टेस्टी और इतना क्रीमी बना देता है उसे। मावा और कंडेंस मिल्क का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिच फ्लेवर है कि अगर जो भी इसे खाएगा वो बहुत ही खुश हो जाएगा और आपसे ज़रूर इसकी रेसिपी पूछेगा। तो ज़रूर आप एक बार इसे अपने घर पर बनाएं। देखिए कैसे मावा बिल्कुल ही मैश होता जा रहा है, उसमें बिल्कुल मिक्स होता जा रहा है और जो थोड़े बहुत लम्स है ये भी अभी रिमूव हो जाएंगे और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हमारा बनने वाला है। मावा अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ही स्मूथ बन चुका है। अब हम इसे थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा थिक ये हो जाए जिससे हम इसे ट्रफल्स बना सके, हमारा ट्रफल का जो स्टफिंग है वो बना सके। थोड़ी देर इसे कुक करेंगे, कुक करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा।
कुक करते करते क्या होगा ना कि ये स्टिक होने लग जाएगा, तो हम इसमें देसी घी डाल रहे हैं। आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, इससे क्या होगा ये स्टिक भी नहीं होगा और इसमें एक मॉइस्चर भी बना रहेगा। इस स्टेज पर आपको इसे कंटिन्यू स्टर करना है, क्योंकि ये बहुत ही स्टिकी हो जाता है तो सारी तरफ चिपकने लग जाता है। तो थोड़ा सा आप कंटिन्यू इसे चलाएं और आपको दिख रहा है कि कितना थिक ये हो चुका है। बस हमें इसे मिक्स करना है अच्छे से। देखिए जब इस स्टेज तक हम आ जाएं तो हमारा जो स्टफिंग है बिल्कुल रेडी है। देखिए कैसी रिबन कंसिस्टेंसी इसमें आ रही है और ये रुक रुक कर गिर रहा है, यानी ये बिल्कुल परफेक्ट थिक है जैसा हमें चाहिए। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक ग्रीस की हुई प्लेट या फिर एक बाउल में निकालेंगे ताकि इसको थोड़ी देर के लिए हम सेट करने के लिए रखें और फिर इसको ट्रफल बनाएंगे। प्लेट को मैंने निकाल लिए हैं और अब मैं इसे थोड़ी देर पहले रूम टेम्परेचर पर रखूंगी और उसके बाद हम इसे फ्रिज में रख लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब फ्रिज से निकलने के बाद देखिए अभी भी कितना सॉफ्ट है और अब हम इसके ट्रफल्स बनाएंगे। जितना बड़ा या छोटा साइज जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से राउंड्स मैंने सारे बना लिए हैं। अब हम इसे फिर से फ्रिज में रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, इसे हम काम नहीं कर सकते। थोड़ा सा ये टाइट हो जाएंगे तो हम काम करेंगे। फ्रिज से निकालने के बाद मैंने यहाँ पर चॉकलेट ली है, ये मिल्क चॉकलेट है, इसमें एसेंस बटर वगैरह मैंने डाल दिया था। और एक प्लेट ली है जिस पर एल्युमिनियम फॉइल लगाया है ताकि चिपके ना, इस पर हम अपने ट्रफल्स रखेंगे। और एक ट्रफल्स को मैंने डाला है, आप फोक भी ले लीजिए ताकि हम इसमें डिप कर सकें। और मैं जिस तरीके से कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है, ताकि जो फोक मैंने इसलिए लिया है ताकि हमारी जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो नीचे निकल जाएगी, स्पून से नहीं निकलते तो फोक से निकल जाएगी। और ट्रस्ट मी, अगर आप एक बार खाएंगे या जो भी एक बार भी इसे खाएगा फैन हो जाएगा, तो एक बार ज़रूर बनाए अपने घर पर। अब सारे ही हम ऐसे बना लेंगे। सभी ट्रफल्स रेडी हैं, सेट हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट से गार्निश कर दूंगी। आप चाहो तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर कुछ और भी तरीके से आप गार्निश कर सकते हो। हमारे ट्रफल्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, सर्व करें अपने फ्रेंड्स फैमिली को। थैंक यू।